गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की ओर से यहाँ पर इंटर पंचायत जो है कबड्डी मेन टूर्नामेंट जो है आज ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें तकरीबन 4 टीमें डिफरेंट पंचायत से बरनोटी, चढ़वाल, डींगांब और एक पंचायत है हमारी ये कीड़ियाँ गंडियाल वाली, जिसको तरफ पजवाल नाम है पंचायत का, और उसके अलावा एक हमारी ऑफिशियल कॉलेज की कबड्डी टीम पार्टिसिपेट कर रही है। क्योंकि अभी बैक टू विलेज का जो समा जो है वो चल रहा है, और सेकंड और थर्ड फेज़ का जो ट्रेनिंग है वो अभी हाल में कंडक्ट हुई है, और हमारे सारे ऑफिशियल्स उस ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं। उसी के तहत हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं प्रोफेसर सुमनेश सिंह जसरोटिया, उनके आदेशों तहत हमने इस टूर्नामेंट का जो आगाज़ आज किया है, जिसमें हम विलेज लेवल की जो यूथ है उसको कॉलेज में अपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ का जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो एक प्लेटफार्म प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ताकि वो यूथ कॉलेज लेवल पर आकर खेले और अपनी अपनी पंचायत को रिप्रेजेंट करें। इसमें विनर और रनर अप ट्रॉफीज हम लोग देंगे, और पार्टिसिपेटिंग बच्चों को जो हैं सर्टिफिकेट्स हम प्रोवाइड करेंगे कॉलेज की तरफ से। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो ऑफिशियल टीम है कॉलेज की, वो इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन के लिए उसकी जो है प्रैक्टिस हो रही है, और यही जो टीम है हमारी जो भद्रवाह में यूथ फेस्टिवल संगम 2022 का आगाज़ जो है 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होने जा रहा है, वहां पर ये टीम जो है पार्टिसिपेट करेगी। हमारा 25 बच्चों का कंटिंजेंट जो कल भद्रवाह कैंपस के लिए जो यहां से लीव करेगा कॉलेज से, और उसमें भी हमारे बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफरेंट मल्टी टैलेंटेड कल्चरल और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी का अवसर है कि बैक टू विलेज के तहत जो B2V4 जो फेज़ है उसके मुताबिक जो है हम लोग ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और पहली दफ़ा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ ने इस पंचायत लेवल की जो टूर्नामेंट है वो ऑर्गेनाइज की है। मैं प्रोफेसर सुमनेश जसरोटिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ। आज हमारे कॉलेज में हम लोगों ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, ये इंटर पंचायत टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसके तहत एक टीमें हैं, फिलहाल हम लोगों ने 4 पंचायत जो है उसकी टीमें इधर रखी हैं। इसमें डिंगा अम्प जो है वहाँ की टीम आई हुई है, बनोटी की टीम है, चढ़वाल की टीम है, और तरफ पुजवाल जो है उसकी टीम है। तो काफ़ी अच्छा जो है ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, इससे हमारे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एज ए स्पेक्टेटर इसको देख रहे हैं, और जो यूथ है गाँव का वो जो आया हुआ वो टीम स्पिरिट दिखा रहे हैं यहाँ। और सबसे बड़ी जो बात ये है कि इससे क्या होगा कि यूथ के अंदर जो है ये भावना जागेगी कि वो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट तो होगा ही, साथ में वो ड्रग एडिक्शन या ऐसी जो स्मोकिंग वगैरह चीज़ें जो हैं ड्रग्स रिलेटेड और जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर वो एज ए स्पोर्ट्समैन काम करेंगे।
क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो है उसका बिल्टअप जो है एथलेटिक बिल्टअप होता है, उसके अंदर उसका फिजिकल फिटनेस तो होता ही है, साथ में उसके उसकी जो है दिमाग जो है वो भी सही चलता है, पॉजिटिव एनर्जी जो है उसके अंदर क्रिएट होती है, नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमारे जो फिजिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर जोगविंदर सिंह सूदन जो हैं, इन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है, एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। यूथ जो है गाँव का वो तो इन्वॉल्व होगा ही, और अपने कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं मैचेस, तो उनके अंदर भी एक अच्छा स्पिरिट जाग रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को। सब मैं फिर से डॉक्टर जोगविंदर सिंह सूदन जो है उसको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा जैसा टूर्नामेंट हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया। उसका एक और रीज़न जो है हमारा कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कबड्डी जैसा टूर्नामेंट जो है उसके लिए बहुत सही है। उसके कारण ये है कि जो हमारे पास मैटिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है इसका। हमारे जो जितना ऑडिटोरियम के अंदर जो मैटिंग हुई है कंप्लीट मैटिंग, ग्राउंड मैटिंग है, और कबड्डी जो है चाहे वो नेशनल लेवल की हो या कहीं इंटरनेशनल लेवल की हो उसके लिए जो मैटिंग जो है वो सूटेबल रहती है। तो सब जो गाँव के यूथ आया हुआ जो स्पोर्ट्समैन जो कबड्डी प्लेयर हैं वो बड़े एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, कि तो अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप हमारे जो फिजिकल डायरेक्टर